So now 3.2, question number 6. In question number 6, they have given us an equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. And they have asked us to frame equation which can give you an intersecting line, which can give you an parallel line and a coincident line. Now, to humko is equation ke saath ek aisa equation frame hame karke dena hai taki ye dono equation barabar ye dono line ke equation intersecting line bana de, ye dono line ke equation ek hum jo denge iske saath wo parallel bana de aur iske saath ek wo coincident bana de. Matlab bataya samajh mein? To filhal karna kya hai, hame ye pata hai ki intersecting line tab bane jab ratio a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो यहां पर a1 b1 c1 ये हमारे पास है, हमें a2 b2 और c2 देना है इन सच अ वे दैट ये रेशियो इक्वल नहीं होंगे तो लाइन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग. तो कोई भी हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देना है जिसके a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. a1 b1 हमारे पास है, अभी हमें a2 और b2 देना है. सिमिलरली पैरेलल के लिए, पैरेलल लाइन के लिए क्या है कंडीशन, A1 by A2 should be equal to B1 by B2 and that will not be equal to C1 by C2. बराबर, तो A1 और हाइक हमारा उसका A2, B1 और हमारा वाला B2, ये दोनों रेशो इक्वल, बट C1 और C2 का रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए. तो एक ऐसा इक्वेशन हम सोचेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और कॉन्सिडेंट के लिए ये तीनों ही रेशो इक्वल होना चाहिए, A1 by A2 must be equal to B1 by B2 must be equal to C1 by C2. Let us understand this. तो सपोज मैंने एक ऐसा इक्वेशन दे दिया, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है, a1 by a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 by b2. तो इसे मैंने 4x दे दिया, बराबर एक इक्वेशन में दे रहा हूँ जिसका नाम क्या है 4x. तो ये कितना होगा, a1 by a2 हाफ हो गया. अब अगला वाला हाफ होना नहीं चाहिए, तो ये मैं माइनस क्या दे दूँ, 3y. अब देखो 3 by 3 1, यानी माइनस वन आ रहा है, ये हाफ है ये माइनस वन है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है. और इसको कुछ भी दे दो, 6 = 0. तो जस्ट चेक एंड सी, 2 by 4 हाफ, 3 by -3 -1. तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. तो क्या ये दोनों मिलके इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे, येस दे विल मेक अ इंटरसेक्टिंग लाइन बिकॉज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. अब पैरेलल के लिए सोचते, तो पैरेलल के लिए तो पहले इक्वल होना चाहिए, तो इसका क्या दे दूँ, डबल कर देता उसका, तो ट्रिपल कर देते हैं, काम करते हैं. तो ये 6x, तो 2 by 6 1 by 3, इसका भी ट्रिपल करते हैं, प्लस 9y, तो 3 by 9 1 by 3. तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ये भी 1 by 3, ये भी 1 by 3. समझ में, अभी c1 by c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये 8 है तो इसको तीन गुना नहीं करेंगे, तो ये -8 है, तो यहाँ पर मैं चलेगा -8 ले लिया, कोई बात नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा, +1. तो ये 1 by 3, इसका रेशियो 1 by 3, इसका रेशियो 1 by 3 और इसका रेशियो 1. तो क्या ये a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो ये कौन से लाइन हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन. अब थर्ड इक्वेशन यहाँ पर, तो चार गुना करते हैं इसका, तो ये 8x, तो ये 1 by 4 बराबर, प्लस 12y, तो 3 by 12 1 by 4 एंड -32. तो 8 - 8 - 32 1 by 4. तो इसका भी रेशियो 1 by 4, इसका भी रेशियो 1 by 4 और इसका भी रेशियो 1 by 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये कॉइंसिडेंट लाइन के इक्वेशन है. यहाँ से अगर आपने 4 कॉमन ले लिया ना, तो यही इक्वेशन मिल जाएगा. इफ़ यू टेक 4 कॉमन फ्रॉम हियर, सो यू विल गेट द सेम इक्वेशन. So you have done multiplied by 4 times. So once a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. अगर तीनों इक्वल है तो कॉइंसिडेंट लाइन के. तो इसके हिसाब से हमने 3 इक्वेशन बनाए, अपने खुद के इक्वेशन, जो इन दोनों को इंटरसेक्टिंग बनाएगा, जो इन दोनों को पैरेलल बनाएगा और जो इन दोनों को कॉइंसिडेंट बनाएगा. समझ में आया? तो ये था हमारा इक्वेशन. उसके लिए अगेन हमारा अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर इसका अंडरस्टैंडिंग है, वो कॉइंसिडेंट लाइन हमने पढ़ा, पैरेलल के लिए पढ़ा, इंटरसेक्टिंग के लिए पढ़ा, बराबर है,
फिर हमने इसमें देखा कि वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना पड़ता है, यूनिक सोल्यूशन बताना पड़ता है कि कितने सोल्यूशंस होंगे, इन्फाइनाइट सोल्यूशंस है, यूनिक सोल्यूशंस है, बराबर। तो ये सब के लिए हमको इनकी जानकारी चाहिए, तो इनकी जानकारी अगर है तो हम ये आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,